पहलगाम में पर्यटक बर्फबारी का लुत्फ उठाते नजर आए। यहां हर तरफ बर्फ की चादर बिछी नजर आ रही है। बच्चे और बड़े सब बर्फबारी का लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं। लोग बर्फ के गोले बनाकर एक दूसरे के ऊपर खुशी से उछाल रहे हैं। बच्चे भी बर्फ के सफेद आगोश में खुशी से झूम रहे हैं। पहलगाम का ये नजारा जितना आकर्षक है उतना ही मनमोहक भी। जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में सीजन की पहली बर्फबारी देखने बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। दरअसल इस क्षेत्र में बर्फबारी होने से पर्यटक पहलगाम आते हैं। सुंदर लगा है और सब नजारा बहुत अच्छा है इधर का। इससे पहले कभी बर्फ देखा आपने? हम तो इसके पहले कभी देखा नहीं था। हम सब लोग देख के इतने खुश हो गए। कहाँ कहाँ से घूम के आए? हम अभी विष्णु देवी, जम्मू, कतरा, पेगाम, अभी ये साइड पे आए। अभी हम आगे श्रीनगर जा रहे हैं। सब लोग बोलते हैं दुनिया में जन्नत कहाँ है, तो मैं तो बोलेंगा कश्मीर में जन्नत है। तो मेरा सवाल ऐसा है कि सब लोग इधर कश्मीर आके अपना आनंद करिए और एकदम जन्नत जो है तो इधर आके जो बोल रहे स्विट्जरलैंड में जाने का है तो स्विट्जरलैंड मत जाओ, इधर कश्मीर में आओ। यहाँ का बर्फ, यहाँ के लोग, यहाँ के सब इधर अच्छा लगता है। ये पहली बार हम इधर ट्रिप के लिए आए हैं। इधर आके बहुत अच्छा लगा है हमको। जो लोग सोचते उधर हलचल है या ऐसा कुछ नहीं है, सब लोग इधर आएंगे तो अच्छा है। इधर का माहौल भी अच्छा है, ऐसा कोई तकलीफ नहीं है। जो न्यूज़ वाले बताते हैं उतना अच्छा, उससे बहुत अच्छा है। इधर कोई भी तकलीफ नहीं है। लोग भी बहुत अच्छे है, कोऑपरेटिव है, सर्विस देते, कुछ पूछो तो अच्छा सा बताते हैं। जम्मू से अभी पहलगाम आए हैं। पहलगाम से अभी हम श्रीनगर जाएंगे, गुलमर्ग जाएंगे। बहुत अच्छा सीन है यहाँ का। स्विट्जरलैंड व्हीकल देखा, बहुत बहुत ही अच्छा, ऐसा नज़ारा हम कभी नहीं देखा और इसके बाद भी कभी देखने को मिलेगा या नहीं मालूम, ये तो नहीं मालूम हमें, लेकिन बहुत अच्छा है। बेताब वैली भी अच्छा है, चंदन वैली भी अच्छा है। और मैं पूरे इंडिया के लोगों को से अपील करता हूं कि वो भी आए और अपना स्विट्जरलैंड देखें, इंडिया का स्विट्जरलैंड देखें।